नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुन्ना बल्लारेस के क्रिकेट अड्डे पर छापा, मकान मालिक पर मामला दर्ज, ट्रेन की टक्कर से बालक की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। मुन्ना बल्लारे के क्रिकेट अड्डे पर छापा। जोन दो के दल ने कुख्यात राजेश उर्फ मुन्ना बल्लारे का क्रिकेट और मटके का अड्डा पकड़ा है। सुरेंद्रगढ़ के मानव सेवा नगर स्थित घर में चल रहे मुन्ना के अड्डे से 4,86,000 रुपए बरामद हुए है। मुन्ना के साथी रूपेश दामोदर परसोटकर और उसके आशीष परसोटकर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वही दूसरी ओर मकान मालिक पर मामला दर्ज। महिला का अपमानित करके उसका सामान फेंकने वाले मकान मालिक और किराएदार के खिलाफ धंतोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राजेंद्र महाजन का धंतोली में फ्लैट है। महाजन ने फ्लैट प्रदीप सिन्हा को किराए पर दिया था। लॉकडाउन के दौरान सिन्हा का कार्यालय बंद होने से महाजन ने उनके कार्यालय का सामान हटा दिया और फ्लैट ज्योति सिरसाम को किराए पर दे दिया। ज्योति ने अपना सामान भी वहां रख दिया। सिन्हा ने अनुबंध की अवधि खत्म होने का बताते हुए ज्योति का सामान बाहर फेंक दिया। तो वही तीसरी ओर ट्रेन की टक्कर में बालक की मौत। ट्रेन की चपेट में आकर 10 साल के बालक की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना सोमवार की दोपहर कलमना के विजयनगर में हुई। 10 वर्षीय सूर्या डोमन मधुकर को उसकी मौसी ने दोपहर 3:45 पर गोबर लाने के लिए भेजा था। सूर्या परिसर की रेलवे पटरी के पास गोबर उठाने के लिए गया था। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से वह जख्मी हो गया। मेओ अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिसर में शोक की लहर फैल गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।